हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केतन शरबड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट रखी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फोल्डेबल मॉस्किटो नेट को फोल्ड कर सकते हैं आराम से, और क्या रहता है प्रोसेस, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फोल्ड करना चाहिए इस मॉस्किटो नेट पे। और साथ ही दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस फोल्डेबल मॉस्किटो नेट का अनबॉक्सिंग का, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो के लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मॉस्किटो नेट को जो है निकाल के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मॉस्किटो नेट को फोल्ड करना है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मॉस्किटो नेट में आपको जो दो एंड को मिलाना पड़ता है, दो जो अपोजिट एंड है फ्रेंड्स, इनको आपको मिलाना पड़ता है। और याद रखिएगा कि जो आपके जो अपोजिट एंड होंगे ये ऐसे डायगनली होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ये वाला एंड ले रहे हैं तो इसके जो अपोजिट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अपोजिट जो है ऐसे डायगनली ये वाला एंड होगा, ये वाला एंड होगा। तो आपको ये वाला एंड को इसके अपोजिट जो डायगनली एंड है आपको इसमें ऐसे मिलाना पड़ता है। तो आप इसको यहाँ से पकड़ लिए और इसको आप ऐसे अंदर की तरफ प्रेशर लगाइए, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको इस वाले पॉइंट पे ऐसे यू आपको मिलाना पड़ेगा। और जैसे ये एंड को टच कर देता है, दोनों एंड मिल जाते हैं, उसके बाद आप इसको ऐसे यू पकड़ के ऐसे आप पकड़ सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन बनी गई है, दी गई है हमें दोनों तरफ। तो आपको इस एंड से दोनों तरफ से पकड़ना है इसको अच्छे से, और उसके बाद अब आपको करना ये है कि आपको इस वाले पॉइंट से, मतलब ये वाले हाथ जो आपको दिख रहा है, इस वाले हाथ को आपको थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे ही पुश करना है। ऐसे आपको अंदर की तरफ पुश करना है, और जैसे आप पुश करते फ्रेंड्स, ऐसे जैसे पुश कर रहे हैं, फिर ये वाला हाथ जो है आपका, इससे आपको इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ इसको बेंड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जो सर्कल है हमेशा छोटा बने। अब मैं आपको फिर से इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो गया मॉस्किटो नेट, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिजाइन है, इस डिजाइन से आपको दोनों तरफ पकड़ना है, और ये जो एक तरफ वाला एंड है जैसे ये वाला, तो आपको यहाँ से इसको वैसे पुश करना है अंदर की तरफ। और फिर जैसे आप पुश कर लेते हैं तो जो दूसरे हाथ से आपको ये जो यहाँ पे जो जॉइंट है, यहाँ से आपको इसको ऐसे ही बेंड करना है नीचे की तरफ। तो फ्रेंड, जैसे बेंड हो जाएगी अब आपको जो तीनों लेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको तीनों लेयर जो है इसको ऐसे पकड़ना है मिडिल से, उसके बाद इसको आपको ऐसे यहाँ से पुश करना है, और पुश करके आपको ये यहाँ तक लाना है। और जैसे आप ले आते हैं उसके बाद आपको ऐसे ही टर्न लाना है ऊपर की साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे ही टर्न ला रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से इसको नीचे की तरफ से बेंड करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइनली जो हमारे मॉस्किटो नेट है वो कुछ इस तरीके से पूरी फोल्ड हो चुकी है। और साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हमें मिल जाते हैं, इसकी स्ट्रिंग्स भी मिल जाती है। तो आप चाहे तो आप अपने स्ट्रिंग्स से इसको ऐसे क्लोज करके भी रख सकते हैं, और बहुत ही आसानी, जैसे देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से फोल्ड हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक और बार इसको फोल्ड करके दिखा देता हूँ फटाफट। तो मैं इसको पहले ऐसे बैग से ओपन कर लीजिए, उसके बाद जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसे ओपन हो जाती है। और मैं इसको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि आप कोई से भी एक एंड पकड़िए, जैसे ये वाला, और इसको आप दूसरे इसके अपोजिट एंड में जो कि डायगनली वाला जो पार्ट होता है उससे आप मिला दीजिए। जैसे कि ये वाला मैं एंड पकड़ रहा हूँ तो इसके अपोजिट डायगनली ये वाला पार्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट डायगनली ये वाला पार्ट होगा। तो मैं इसको इससे मैच करूंगा, तो मैं इसको बहुत ही धीरे से इसके अंदर से मैच कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैच करने के बाद फ्रेंड्स, फिर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ दोनों एंड से जहाँ पे डिजाइन दी गई है आप इन दोनों एंड से पकड़ लीजिए, और उसके बाद आपको इस एक तरफ से आपको हल्का सा पुश करना है और इसको ऐसे बेंड करने की कोशिश करना है।
और उसके बाद अब यहाँ से इसको ऐसे नीचे बेंड कर दीजिए, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पे नीचे आपको तीन लेयर मिलती है, तो आप इन तीनों लेयर को ऐसे मिडिल से पकड़िए, और पकड़ने के बाद आपको फिर ये अपने एक हाथ से इसको से पुश करना है एक तरफ। उसके बाद आप इसको फिर ऐसे ही बैंड कर दीजिए, और जैसे बैंड हो जाती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो गई है। और फोल्ड करने के बाद इसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें आपको ऐसे छोटी सी स्ट्रिंग्स भी अटैच मिलती है इसके साथ, तो आप इसके हेल्प से इसको ऐसे पैक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये फिर से ओपन ना हो जाए या फिर पॉपअप ना हो जाए मॉस्किटो नेट। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी कम्प्लीटली पैक हो चुकी है। तो इसके साथ हमें मिलता है एक बैग, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि क्लासिक मॉस्किटो नेट कंपनी का है। तो उसके अंदर आप इस मॉस्किटो नेट को जो है आराम से रख सकते हैं, जिसके मैं अब आपको इसके अंदर रख के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से मॉस्किटो नेट को फोल्ड करके इस बैग के अंदर रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिए गए हैंडल, तो आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आप इसको इजीली आपके साथ कहीं भी कैरी करके भी ले जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि कैसे हम मॉस्किटो नेट को जो है फोल्ड करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर फोल्ड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो इसकी स्टील इसमें जो दिया गया है, आपको ऐसा लगेगा जब आप इसको बैंड कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो टूट जाएंगे, पर वो टूटेंगे नहीं। आप बस उस पर हल्का सा ऐसा प्रेशर दीजिए ताकि वो आराम से बैंड हो सके। तो बस आपको इसे कम से कम 5 से 6 बार आप इसको फोल्ड करने की ट्राई कीजिए, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके मन में कोई सी भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे जरूर पूछें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आया है आप लोगों को पसंद, तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो कि है केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको इन फ्यूचर में भी मिल सकें।